देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है समर ड्रिंक, बिना दूध, बिना दही, बिना मिल्क मेड, बिना चीनी और बिना मिल्क पाउडर। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। ये हमने वीगन समर ड्रिंक बनाया। चलिए बनाना शुरू करते हैं वीगन समर ड्रिंक। आजकल लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते, वीगन खाने का बहुत ट्रेंड चल गया है। लोग बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ट्री बेस्ड, प्लांट बेस्ड चाहिए, वीगन चाहिए, तो उसी सीरीज में क्यों पीछे रहें, हम भी बनाएंगे एक वीगन समर ड्रिंक जो कि बहुत हेल्दी होगा, जिसमें उसको हम कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। ये मैंने 15 से 20 बादाम भिगोए, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार भिगोइए। और ये हैं खजूर, अगर खजूर नहीं है तो आप छुहारे जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो के उन्हें इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये फ्रेश खजूर थी, थोड़ी सूखने तो लगी थी लेकिन थी फ्रेश, तो मैंने ये भिगो ली हैं। अब मैं इनको छील लूँगी। बादाम को रात भर भिगोया। हम सभी जानते हैं कि बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, मैंने बादाम को छील लिया और ये जो खजूर हैं इसमें बीज होता है, उसको हम निकाल देंगे। बादाम आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अमेरिकन बादाम पसंद करते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत बड़ा होता है और सुंदर सा होता है, साफ सुथरा होता है। लेकिन आप बादाम कभी भी देसी इस्तेमाल करें या मामरा बादाम इस्तेमाल करें, ये देखने में अच्छे नहीं होते लेकिन इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, मैंने खजूर के भी काट लिया और ये बादाम भी, और इनको मैं मिक्सी के जग में डाल दूँगी। मैंने 2 खजूर डाली हैं इतने बादाम में, आप अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे आपको चीनी पसंद हो आप उस हिसाब से डालिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला और इसको मैं पीस लेती। ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया। ये कितना बढ़िया सा हमारा तैयार हो गया। ये इसमें हल्के से अभी थोड़े से दाने हैं, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पतला बिल्कुल बारीक पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा पानी डाल के एक बार और चला लूँगी मिक्सी में। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से दोबारा पीस लिया। कितना बढ़िया हमारा मिल्क तैयार हो गया, बादाम मिल्क। हमने कोई चीनी नहीं डाली, चीनी के लिए हमने इसमें मीठे के लिए खजूर डाली। बहुत ही हेल्दी और बढ़िया ड्रिंक तैयार होगा हमारा। आजकल आम सीजन में मैं ये ड्रिंक मैंगो ड्रिंक बनाऊंगी। हम दूध से बना मैंगो शेक तो पीते ही हैं, आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए तो आप कहेंगे कि बहुत हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से कटिंग कर लूँगी मैं इसकी और छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे हम इसके। इस तरह काटने से बड़ी आसानी से, हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते क्योंकि आम में जूस बहुत होता है। ये मैंने आम काट लिए। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में नहीं पीसूंगी। आम बहुत सॉफ्ट होते हैं, मडल करके ही हो जाएंगे अच्छे से और टेस्ट भी, मुँह में क्रंच आएगा आम का तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं मडल कर लूँगी। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल जूस निकल गया, पल्पी हो गए एकदम से। देखिए आम हमारे अच्छे से मडल हो गए। अब मैं, अगर आपको ठंडा पसंद है तो इसमें आइस डाल लीजिए, और नहीं पसंद है तो अवॉइड कीजिए आइस को। थोड़े से मैंगो चंक्स और जो हमने ये बादाम और खजूर का मिल्क बना के रखा था इसको डाल देंगे। मेरा ये इतना गाढ़ा है, अगर आपको पतला पसंद है तो आप इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को डॉक्टर भी मना करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें, कुछ लोग अपने आप से ही नहीं चाहते डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, हेल्दी और बढ़िया सोल्यूशन है। ऐसे समर ड्रिंक बनाएं और इन्जॉय करें। वैसे तो हमने ये ड्राई फ्रूट से ही बनाया है तो हमें ड्राई गार्निश के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पिस्ता तो डालना बनता ही है मैंगो पे। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि क्या आप इस तरह से बनाते हैं वीगन ड्रिंक। इसमें हमने कोई मिल्क मेड, कोई मिल्क, कोई शुगर, कुछ भी यूज़ नहीं करा। चलिए अब इसे आप पीजिए और बताइए कि कैसा लगा, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और वीगन हम सबको ट्राई करना ही चाहिए। थैंक यू।